कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और ये कहावत देश की धड़कन यानी दिल्ली के लिए सटीक बैठ रही है। देश के कई राज्यों में मानसून कई सप्ताह पहले से ही दस्तक दे चुकी है, लेकिन दिल्ली इससे अछूता रहा। अब दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार बढ़ रहे तापमान और उमस से लोग परेशान हो रहे थे। इससे निजात पाने के लिए लोगों को इंतज़ार था तो बस तेज़ बारिश का। और बारिश रविवार देर रात से शुरू हुई और अब तक रुक रुक कर हो रही है। मानसून ने जिस तरह से करवट बदली है, उससे एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली डूबा डूबा नजर आया। चंद घंटों की बारिश में ही दिल्ली के ड्रेन सिस्टम की पोल खुल गई। क्या सड़क, क्या नाले, सब बराबर नजर आए। पैदल आने जाने वालों के लिए भी दुश्वार हो गया। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली पुल प्रहलादपुर अंडरपास की हैं। हर साल की तरह इस बार भी इस अंडरपास में पानी भरा हुआ है। लोगों का आवागमन ठप हो गया। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए भारत मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि मानसून 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है। ये 19 सालों में सबसे देरी से मानसून की दस्तक है।